सो हेलो एवरीवन मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एच बैंक शेयर के बारे में अब इस स्टॉक में हमारे लिए आगे के लिए क्या टारगेट्स होने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ इसके जो क्वार्टर टू के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं उसको लेके यहाँ पे मार्केट के क्या एस्टिमेट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा तो सबसे पहले चलते हैं टारगेट्स देख लेते हैं अभी आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है सिक्सटीन एटी की अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है इसके लिए जो कि है हमारा यहाँ पे सिक्सटीन सिक्सटी के अराउंड यहाँ से आप देखोगे एग्जैक्ट इसी एरिया से ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी जो कि हमें इंडिकेट करती है कि अब यहाँ से बाइंग आ सकती है जो नियरेस्ट टारगेट उसके लिए हमें देखने को मिल सकता है वो हो सकता है यहाँ पे सेवनटीन सिक्सटीन रुपीज़ का ये हमारा पहला टारगेट होगा और ये लेवल्स मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी ड्रॉ करके दे रखे थे ऑलरेडी और वही लेवल्स अभी भी हमारे लिए यहाँ पे फॉलो होंगे जब सेवनटीन सिक्सटीन ब्रेक होगा तो फिर सेवनटीन फिफ्टी एट देखने को मिलेगा और जब सेवनटीन फिफ्टी एट ब्रेक होगा तो सेवनटीन नाइन्टी तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं तो ये फ़िलहाल के लिए लेवल्स निकल के आ रहे हैं इसमें अपसाइड के लिए अब डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिक्सटीन का का प्राइस जब तक तक नीचे की साइड ब्रेक नहीं नहीं करता है, तब तक आपको स्टॉक में सेलिंग देखने को नहीं मिलने वाली, तो तो ये एक आपके लिए सपोर्ट ज़ोन का भी काम करेगा। तो इन का कर के ट के, के क्या एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं क्वार्टर टू के लिए यहाँ पे जो के, निकल के आ रहे हैं थर्टी है, से HDFC बैंक के 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 अंदर और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर का एस्टीमेट निकल के आ रहा है वो है यहाँ पे 21.2 वन का ये यह यहाँ पे इसका अर्निंग पर शेयर का एस्टीमेट निकल के आ रहा है तो ये यह यहाँ पे फिगर्स हैं अब देखना है कि क्या आज जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो उसमें ये एस्टीमेट बीट हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते तो उसके लिए बने रहना चैनल पे जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अपने कम्युनिटी टैप पे तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में